See, I think individually depend करता है. Yes, चेतेश्वर we all know कि सिर्फ अभी टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं और आई थिंक उनके लिए अभी फिलहाल डिमांडिंग है कि वो उस फॉर्मेट के तरीके से खेले. बहुत बार वो मतलब काफ़ी बार आईपीएल में भी खेले तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया उनके बैट में. अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ कुछ ऐसे इनिंग्स उनके हैं कि उन्होंने रन बॉल बैटिंग की है. तो आई थिंक डिपेंड करता है इंडिविजुअल बैट्समैन के ऊपर कि आप कैसे सोचते हो, आप कौन सा फॉर्मेट खेलते हो. अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हो तो आपका फोकस होता है कि आप उसी के ऊपर आप स्पेशलिटी जो है आपकी आप उसके ऊपर इम्प्रूव करें. जो दो फॉर्मेट खेलते हैं उनका होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट जब खेल रहे हो आप उसके ऊपर फोकस करें, वन डे क्रिकेट जब आप खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है. और जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो यस वो कम्प्लीटली माइंड सेट आपका चेंज हो जाता है. बट एज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट आई फील अगर आप सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं तो आपका फोकस हमेशा होना चाहिए कि जो आपकी एबिलिटीज हैं उसके ऊपर आप फोकस करें. तो यस मुझे ऐसे कभी आई डोंट थिंक पुजारा ने भी कभी ऐसे सोचा होगा कि मेरे पास शायद ऐसी एबिलिटी हो. आई थिंक लड़के सोचते हैं कि मेरे पास पुजारा जैसे एबिलिटी हो. कि लगते हैं ऐसे सोचते हैं? डेफिनेटली सोचते हैं. आप बहुत लोगों से पूछे कि पुजारा के बारे में आप कैसे सोचते हो तो आई थिंक आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे क्योंकि जैसे उन्होंने परफॉर्मेंसेस किए, जैसी उनकी एबिलिटी है. ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने देखा होगा कि लगभग 500 बॉल्स खेले थे जो उन्होंने 200 बनाए थे रांची में. तो आई थिंक ऐसी एबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है कि 500 बॉल खेले. तो आई थिंक पुजारा से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि कैसा उनका माइंड सेट है, क्या उनकी पैशन है. क्योंकि 500 बॉल खेलने में आई थिंक लास्ट 2 साल में जितना हम क्रिकेट खेले हैं डेफिनेटली इंडिया में काफ़ी लोग आते हैं मैचेस देखने के लिए क्योंकि इंडियन टीम अभी इतना अच्छा कर रही है, नंबर 1 रैंकिंग पे है. और मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम जो है सारे प्लेयर्स हमारे फैंस के वजह से, हमारा जो क्रिकेट है फैंस के वजह से. तो आई फील मैंने हमेशा से सोचा है कि अगर हम जहाँ भी खेलते हैं, जिस भी वेन्यू पे खेलते हैं, अगर हर एक दिन एवरी डे अगर हम 2 या 3 स्कूल्स उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम फ्री एंट्री देते हैं, प्लेयर्स के साथ अगर इंटरेक्शन हो सकता है और मे बी स्टैंड्स में अगर हम उनके खाने के लिए पानी अगर उनके लिए अरेंजमेंट अगर हम सही से कर सकते हैं, आई फील यस प्लेयर्स के ऊपर हमेशा से फोकस होता है बट हम कैसे फैंस के ऊपर फोकस कर सकते हैं क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए. क्योंकि अगर फैंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो टेस्ट क्रिकेट की जो आगे जा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा और आई थिंक पॉपुलरिटी और बढ़ेगी. मुझे लगता है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को और इम्पोर्टेंस देना चाहिए. डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस करते हैं उनको उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए. बहुत बार होता है क्योंकि जब मैं खेल रहा था तो हमेशा एक खुशी होती थी. आप रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में भी आते थे, अगर आप 30 प्लेयर्स में भी आते थे तो हमेशा एक्साइटमेंट होती थी. और फिर कहीं ना कहीं हमें अगर टेस्ट क्रिकेट को सर्वाइव रखना है या टेस्ट क्रिकेट के बारे में प्यार पैदा करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो स्कूल क्रिकेट टेस्ट मैचेस जो होते हैं अंडर 19 अंडर 16 लेवल तो उससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि डेफिनेटली मीडिया तो उसे कवर करती है लेकिन कैसे अगर आप लोग और उसे पॉपुलर कर सकते हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को कैसे हाईलाइट कर सकते हो. बहुत बार होता है कि अगर अपने T20 गेम है, इवन डोमेस्टिक T20 गेम हो, जो स्टेट T20 गेम होता है उसके परफॉर्मेंसेस हाईलाइट होते हैं, बट आई फील जो 4 डे गेम्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी 4 डे मैचेस जो होते हैं, आई थिंक उसके परफॉर्मेंसेस अगर ज़्यादा हाईलाइट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनका ध्यान शिफ्ट होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत हो जाएगा बट स्लोली स्लोली एटलीस्ट